शुरुआत करते हैं वर्गाकार भूमि से। ये है इस टाइप का, ये भूमि बहुत अच्छा होता है। वर्गाकार भूमि आपके वास्तु के लिए बहुत अच्छा होता है, जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है, बैलेंस होता है लाइफ। वर्गाकार भूमि में आप एक बात ध्यान रखिए, स्क्वायर जो भूमि हो उसमें आदमी तरक्की बहुत ज्यादा नहीं करता। किसी वजह से अगर कर भी लिया तरक्की कभी, तो फिर वो कभी ना कभी उस पे आ जाता है, अपने निचले स्थिति में आ जाता है, मगर रहता बैलेंस लाइफ में। अच्छा, वर्गाकार भूमि में आप, इसी में दो टाइप की होती है, एक होती है गज पृष्ठ। गज पृष्ठ भूमि भूखंड, गजपृष्ठ भूखंड ये है कि ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, वेस्ट और ये हो गया साउथ। नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक ये भरा हुआ हो और ये खाली हो, ये भूमि उत्तम किस्म की भूमि होती है। जब इसको हम भर के इसको हम यहां पर कंस्ट्रक्शन करते हैं और इसको हम इस पे कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, ये गजपृष्ठ है और ये गजपृष्ठ भूखंड उत्तम किस्म की होती है, लक्ष्मी का वास होता है। जो जो आप अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, बुक में भी अच्छी अच्छी बातें दी होती हैं, अच्छी चीजों के लिए अच्छी अच्छी बातें दी होती हैं, बुरी चीजों के लिए दो चार पांच वाक्य ही हैं, जो धननाश हो जाता है, ये होता है, वो होता है। दूसरी भूमि होती है कुर्म, इसी में कुर्म पृष्ठ है। ये क्या होता है, बीच में उठा हुआ है, ये भूमि बीच में उठा हुआ और चारों तरफ से नीचे तल का होता है, मतलब इस भूमि का ब्रह्म स्थान ऊंचा होता है और चारों तरफ नीचे होता है। यह भूमि भी अच्छी होती है, गजपृष्ठ जैसी नहीं होती मगर यह भूमि भी अच्छी होती है, यह गुड है मकान के लिए। तीसरी भूमि होती है दैत्य पृष्ठ। अब वो जो हमने गजपृष्ठ देखा था ना, गजपृष्ठ के दैत्य पृष्ठ भूखंड, ये वर्गाकार में ले लो या आयताकार में ले लो, ये सब भूखंड के तरीके होते हैं, कैसे बनाया जाता है मकान। अगर ऐसा बना हुआ है तो वो गलत बना हुआ है। ये ईस्ट है, ये भरा हुआ होता है इसका और ये खाली होता है, ये खराब होता है। खराब खराब शब्द जितने भी आते हो आपको, वो आप इस पे बोल लो, धन नाश होता है, आदमी की तरक्की नहीं होती है, जितने भी आपको खराब खराब शब्द आते हो ना, वो सब आप बोल लो इस पे, वो सब इस पे चल जाएंगे आपके। जहां की ये खाली हो, साउथ वेस्ट से, साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक, यहां ये खाली हो और ये भरा हुआ हो, ये दैत्य पृष्ठ भूमि होती है। आप टेक्निकल वर्ड है, आपको कभी कोई पूछ लेता होगा, जैसे आपने अगर पूरा नहीं किया हुआ है ना, तो कभी कोई पूछ लेता होगा कि ये गौमुखी भूमि है, तो आप कहते होंगे मैं इसके सारी दिशाओं को निकाल लेता हूं, 16 दिशाओं को, और फिर मैं उसमें बता देता हूं क्या है नहीं है। नहीं नहीं उस भूमि का भी महत्व है। अगर कोई सिंहमुखी भूमि है तो उस भूमि का भी महत्व है। यूं ही नहीं उन लोगों ने दिया हुआ है, जिन्होंने भी दिया हुआ है वो ऐसे ही नहीं दे दिया, उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल करके दिया था। ये हो गया। चौथा है नाग पृष्ठ भूमि। अब यहां से आयताकार भूमि शुरू होती है। यह भूमि ईस्ट से वेस्ट तक लंबी होती है और नॉर्थ साउथ, यह भूमि ईस्ट से वेस्ट तक लंबी होती है और नॉर्थ और साउथ ये दोनों ऊंचा होता है इसका। लंबी भूमि होती है ईस्ट से वेस्ट तक और नॉर्थ साउथ ऊंचा होता है, ये नाग पृष्ठ है, ये भूमि अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं का मतलब आप देख लेना, जो जो आपको बुरा लगे इसमें वो बोल सकते हैं कि ये इसमें ये होता है, इसमें दरिद्रता आता है, इसमें मैं बुरी बातें कम बोलता हूं, आप ही बोल लेना, अभी मत बोलना बाद में बोल लेना, ठीक है। अब हम आयताकार भूमि पे चलते हैं। यह है आयताकार भूमि।
आयताकार भूमि भी अच्छी होती है, जैसे वर्गाकार है, वर्गाकार में महत्वाकांक्षी नहीं होता आदमी, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होता है, आयताकार में आदमी महत्वाकांक्षी होता है। आयताकार के प्रकार हैं बहुत सारे आयताकार भूमि के। आयताकार भूमि में सबसे पहला जो प्रकार होता है जो वर्गाकार में है वो 1 1 1 1 ऐसी तो होता है, अगर एक मीटर की सारी भुजाएं होती हैं वर्गाकार में। आयताकार में जो अच्छी बनाने का तरीका बता रहा हूं, भूमि को अच्छी कैसे बना सकते हैं, कभी भी अगर आयताकार आपको भूमि मिले तो उसका ये रेशियो हो तो बहुत अच्छा है, 1:1.25, मतलब ये भुजा 1 मीटर और ये भुजा 1.25 मीटर, ये भूमि बहुत अच्छी होती है। अब यहीं पर ये 1.3 चला जाए या 1.4 चला जाए फिर वो भूमि अच्छी नहीं है, उसका मकसद नहीं बन रहा। इनके नाम भी हैं, सभी भूमि के नाम हैं, जो इस टाइप के जो आकार है ना इनके नाम हैं। ये नाम में जब उपाय बताऊंगा तब बता दूंगा, ये अभी आप इस भूमि को समझ लो कि भूमि के आकार कौन कौन से अच्छे हैं। दूसरा रेशियो अच्छा है 1:5, 1:1.75, 1:2 और 1:3, ये भूमि अच्छे भूमि में से आते हैं। एक रेशियो है आयताकार में, वो है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो की जो भूमि होती है वो अच्छी होती है, वो बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छी होती है। गोल्डन रेशियो पे मैं पूरा एक सेशन लूंगा आगे आने वाले टाइम में कभी, वो आप अभी इतना ही समझ लो गोल्डन रेशियो में। और दूसरा, आप मोबाइल पे एंड्रॉइड पे गोल्डन रेशियो कैलकुलेटर डालिए, उसका सॉफ्टवेयर आ जाएगा, वो गोल्डन रेशियो से आप लोग काम करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। मोबाइल पे एंड्रॉइड पे आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, गोल्डन रेशियो कैलकुलेटर, उसमें जितना डालेंगे ना आ जाएगा। आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा, उसका मैं बता दूंगा कैसे होता है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है नहीं। ये रेशियो होते हैं आयताकार भूमि के, आ गया समझ में। 1:1.25 मतलब 1 मीटर का हो, एक भुजा 1 मीटर की है, उसकी लंबाई वाली भुजा है 1.25 मीटर की, सेट। 1.5 वाला ऐसी है, 1.75 एंड 1:2 और 1:3, ये सभी रेशियो अच्छे हैं। अगर इस अनुपात में आपका घर बना हुआ है, इस अनुपात में किसी का घर बना हुआ है तो वो रेशियो बहुत अच्छा है, और अगर इस अनुपात में किसी का घर नहीं बना हुआ है तो फिर इसका अच्छा वाला जो प्रभाव है वो नहीं आ रहा, और उससे संबंधित बुरा प्रभाव भी होता है। जब अच्छा प्रभाव हम किसी से लेते हैं और अच्छा नहीं ले पाते तो फिर उसका बुरा प्रभाव होता है, वो बुरा प्रभाव ले रहे होंगे। और ये इस रेशियो में भूमि सभी गुड होती है, अगर आयताकार भूमि एक, और अधिकतर भूमि आयताकार ही होती है, एक भूमि आयताकार भूमि अगर इसका ये है 1 और ये है 1.5 लंबाई ये, तो ये जो है ना भूमि बहुत अच्छी होती है, गुड है। वहीं पर आयताकार भूमि आप इस तरह से लीजिए, आयताकार भूमि आपने ऐसे ली, ये है 1 और ये है 1.4, ये 1, ये गुड नहीं है। बैड तो मैं बोलने वाला होता कौन हूं, ईश्वर की रचना है, ये गुड नहीं है, ठीक है। इस पे इफेक्ट खराब पड़ रहा होगा, जिस अगर उसके ठीक से उसके नक्षत्र से और चीजों से नहीं मैच कर रहा है तो इफेक्ट खराब पड़ रहा होगा, और पड़ ही रहा होगा। इस भूमि को आप कर सकते हैं 1.25 कर सकते हैं, या आप बढ़ा तो सकते नहीं तो 1.25 कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ये रेमेडी का पार्ट है, इसको हम रेमेडी के पार्ट में आगे देख लेंगे, 1.25 करके और फिर इसका यूज कैसे कर सकते हैं।